Assalamualaikum students, how are you? Students, today we will solve the exercise of chapter number 2, surrounded by trash, मतलब रद्दी चीज़ों में घिरे हुए होना. Here are questions and their answers. Question number 1, what is littering? मतलब ये के कूड़ा फैलाना क्या होता है. Littering is throwing rubbish carelessly on the ground. Question 2, what excuse do people give about littering public places? Answer, people give excuse that they stay there for a short while and it is sweeper's duty to keep the area clean. Question number 3, what diseases can spread due to littering? Answer, cholera, malaria and dengue can spread due to littering. Question number 4, how do our good and bad habits affect our environment? Answer, our good habits help to keep environment clean. Our bad habits can make the surroundings untidy. Homework में आपने क्या करना है, application लिखनी है for leave to attend the marriage party. एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर आस्किंग फॉर अ लीव टू अटेंड अ मैरिज पार्टी. द प्रिंसिपल, उसके बाद ये पैटर्न आपने वही फॉलो करना है जो आपको स्कूल में फॉलो किया गया है, सॉरी स्कूल में प्रोवाइड किया गया है. यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ उसको. सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट फ्राइडे इन कराची. I have to attend the marriage ceremony, so I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 4 days from 12th 4 2013. ये डेट्स आप ना भी लिखें, बस इतना ही काफ़ी है. फॉर 4 days I shall be thankful to you as at this act of kindness. उसके बाद yours obediently, और फिर आपने लिखना है XYZ. एक लेटर भी आपने करना है, और ये है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू लेंड अ कैमरा. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लोन ऑफ बुक के लिए करवाया था, ये लोन ऑफ कैमरा के लिए है, यानी फ्रेंड से कैमरा मांगने के लिए. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, ये सारा जो पैटर्न है ना, ये आपने इस साइड पर लिखना होता है. मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में दिखाया था हैंड रिटर्न लेटर, पैटर्न आपने वही लिखना है, लेकिन ये बॉडी जो है ना लेटर की, वो ये वाली होनी चाहिए. तो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह इधर से आ जाता है, और एंडिंग जो होती है वो इस साइड पे होती है आपके लेटर की, स्कूल के पैटर्न के मुताबिक. मैं इसलिए आपको ये यहाँ से पढ़ा रही हूँ, माय डियर असलम, या फिर आप माय डियर फ्रेंड, या अगर गर्ल्स हैं तो वो माय डियर आगे फ्रेंड का नेम लिख सकती हैं. यू नो दैट आई एम गोइंग टू मरी विद माई पेरेंट्स फॉर अ वीक. आई विश टू टेक सम फोटोग्राफ्स ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेस इज देयर. यू नो दैट माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब होना, मतलब कि तुम जानती हो कि मेरा कैमरा ख़राब है. प्लीज़ लेंड मी योर कैमरा फॉर अ वीक. आई शैल टेक केयर ऑफ इट एंड रिटर्न टू यू सून विद बेस्ट विशेस. और उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे योर्स सिंसियरली, और फिर अपना XYZ लिखना, अपना नेम नहीं लिखना. ये दो चीज़ें हो गई आपकी, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड मैरिज पार्टी और लेटर टू फ्रेंड फॉर अ लोन ऑफ कैमरा. ये आप दोनों चीज़ें अपने होमवर्क, रिटर्न होमवर्क के तौर पे स्कूल में सबमिट करवानी है फ्राइडे को, ठीक है. और आपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ये याद करने हैं. आपका हाफ चैप्टर रिमेनिंग था ये वाला, लेकिन मेरे पास आज बुक नहीं थी, इस वजह से मैं वो आपको चैप्टर नहीं पढ़ा सकी. तो ये क्वेश्चंस जस्ट मैंने कहीं से राइट किए थे, तो उसके आंसर्स मैंने आपको करवा दिए. कल इंशाल्लाह मैं बुक लेकर तो आपको चैप्टर भी करवा दूँगी कम्प्लीट. अब ये यहाँ देखें, ये मैंने एक्टिव पैसिव बनाए हैं, हमने कंटिन्यूस टेंस तक कर लिए थे, ये परफेक्ट टेंस के हैं. जो परफेक्ट टेंस होता है आपको पता है कि उसमें प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ यूज़ होता है, फ्यूचर में विल हैव यूज़ होता है, शैल हैव यूज़ होता है, और पास्ट में हैड यूज़ होता है, फॉर्म ऑफ अब थर्ड यूज़ होती है. ये मैं आपको टेंस की बता रही हूँ कि टेंस में, और इसमें उर्दू में पहचान टेंस की क्या होती है, चुका था, चुके थे, चुके होंगे, ठीक है.
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बतानी है आपको, वो ये कि आप जब, वैसे तो आमतौर पे सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप विल या शेल आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो फिर उसके साथ आपने विल और शेल दोनों के साथ हैव ही लगाना है, मतलब ही शी इट को उस वक्त आपने नहीं देखना। विल और शेल का यूज़ आपको आना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपने उसके साथ हैव ही लगाना है। उस वक्त ये नहीं देखना कहीं शी विल हैज़ लगा के बैठ जाए, विल और शेल दोनों के साथ हैव ही लगेगा, ठीक है। शी हैज़ किल्ड आ रैट। अब इसमें जब पैसिव में चेंज करते हैं तो फिर इस हैज़ के साथ बीन का इजाफा हो जाता हैज़ बीन और हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं पैसिव में, ठीक है। पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होते हैं पैसिव बनाने के लिए। और फिर वही मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रैट आएगा, आ रैट। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन, फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किल्ड, फिर बाय लगा के फिर प्रोनाउन के केसेस आ जाएंगे हर। आ रैट हैज़ बीन किल्ड बाय हर। शी हैज़ नॉट किल्ड आ रैट। रैट हैज़ नॉट बीन किल्ड बाय हर। मतलब ये कि अब आपने ये जो नॉट है ये हैज़ और बीन के दरमियान में लगाना है, ठीक है। हैज़ शी किल्ड अ रैट, हैज़ अ रैट बीन किल्ड बाय हर। अब पास्ट में आ जाए, पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है। दे हैड फ्लोन अ काइट, अ काइट हैड बीन फ्लोन बाय देम। दे हैड नॉट फ्लोन अ काइट हैड नॉट बीन फ्लोन बाय देम। हैड दे फ्लोन अ काइट, हैड अ काइट बीन फ्लोन बाय देम। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए शेल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और पैसिव में चेंज करने के लिए विल हैव बीन और शेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई शेल हैव टेकन टी, टी विल हैव बीन टेकन बाय मी। आई शेल नॉट हैव टेकन टी, टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। शेल आई हैव टेकन टी, विल टी हैव बीन टेकन बाय मी। चले, अब आपको समझ में आ गया। अपने होमवर्क में एक एप्लीकेशन और एक लेटर लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं और परफेक्ट टेंस के पैसिव की प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।